यदानं मया सह तं यदि कर्ण होया वामयामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों की को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। वर कहता है कि आप मेरे वाम भाग में बैठिए। तो कन्या वचन लेती है कि पहले पहला वचन यह दियो कि कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों में सब मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। दूसरा वचन यह है कि हव्य प्रदाने रमरान पितृन काव्यै प्रदाने यदि पूजये था वामानुयामि यदा तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयम्। कन्या दूसरा वचन कहती है कि देवताओं के लिए अव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। ये कन्या का दूसरा वचन है। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि कुटुंब रक्षा वरणे यदि तं पूर्या पशूनां परिपालनं च वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनं तृतीयम्। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि परिवार आदि सभी का पालन पोषण करना यदि तुम मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगा। आय व्यय धान्य धनादिकानां हृष्ट्वा निवेशं च गृहे निवध्यां वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनं चतुर्थम्। कन्या चौथा वचन यह कहती है कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आए उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। यदि पूजये था वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनं च पञ्चमम्। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं या बावली आदि तैयार करावें तो उसके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्याय क्रय विक्रयौ त्वं वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनं च खष्टम्। छठे वचन में कन्या यह कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कोई भी व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें मेरी सलाह आप जरूर स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। कन्या ये छठे वचन में कहती है। न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवोद्भावि कामनीति वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनं च सप्तमम्। कन्या सातवें वचन में बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। क्या कहती है?
कि पराई स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो, आप उसकी तरफ कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे। यदि ऐसा करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वामभाग में आऊं। अभी आपको कन्या के सातों वचन स्वीकार है? कन्या ने जो आपसे मांगा सोच रहे हो कि भी मन से स्वीकार करते? बहुत धीरे से बोल रहे हो, बहुत मंतव्य से कर रहे हो। शर्तें ही कुछ ऐसी हैं जो मानने के पहले सोचना तो पड़ेगा। क्यों मांग रहे हो ना? टेंशन ना लो, अभी है, हम मान रहे हैं। वर के साथ वचन, पांच वचन देखिए, आपने बड़ी कष्ट से संकोच में जो है धर्म संकट को लेकर के स्वीकार किया है, पर ऐसा ना समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ सारी बारात लेके आए हो आप, है ना, इतना संकोच मत करिए। दूसरी चीज, इनके सात वचन आपने स्वीकार किए हैं, अब आप कहो कि मेरे भी सात तो नहीं, कम से कम पांच हैं, इतने तो मानने पड़ेंगे, है ना। अब कहते हैं क्या मानना वो तो बताओ, है ना। एक चीज और समझ लेना, विवाह का जो कार्य है, शास्त्र का वचन है, मंडपे मधुपर के चा लाजा होम परिक्रमा, मंडप लगाया, विवाह हुआ, हल्दी तेल सब हो गया, परिक्रमा हो गया, होम हो गया, अभी भी वामांगी नहीं हुई, मतलब धर्मपत्नी नहीं हुई, जब तक सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं दिया जाता, और जब तक वामांगी नहीं तब तक वधू जो है वो कन्या कहलाती है। अभी भी अगर बिगड़ जाए तो कुछ दिक्कत, अभी सब फाइनल, इसीलिए पंडित जी ने कहा पक्का करो तो ही आगे बात हो, है ना। तो अब इन्होंने ये जो सात वचन कहे हैं उसके विपक्ष में आपको कहना कि मेरे प्रत्युत्तर में केवल पांच वचन हैं, वह सुन लीजिए, बड़े आधुनिक आज के रूप में है, मैं पुराने में नहीं जीता हूँ, मैं आज में जीता हूँ, है ना, इसलिए उसको लेकर के चलते हैं। पांच ही वचन हैं, मध्य उद्याने मध्यपाने चा स्थाने परिग्रहे गमनं तथा परपुंसां सारगीतं हास्यं वर्जनं तदाद्वयम् अंतर्ग्रहे स्थितं नित्यं सुख दुःखानि भोगनि यदा तिष्ठासि भद्रे तं पारणीया सदा मम। मैं संस्कृत श्लोक पढ़ के हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। कहा है पहला, आप कह रहे हैं पहला वचन है, सुशील जी कह रहे हैं ज्योति से, उद्याने मध्यपाने च परग्रहे गमनं तथा, कभी भी अगर अपने घर में आ गए हो तो कभी बाग बगीचा घूमने का मन कर रहा, गार्डन में घूमने का मन कर रहा है कभी, या अथवा ऐसी कहीं जाना जगह व्यवस्था हो जहाँ पार्टी चल रही हो और हम ना हो, तो वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। किसी भी कुलीन स्त्री को, किसी भी कुलीन स्त्री को अकेले ना तो उद्यान जाना चाहिए और ना ही जहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही हो वहाँ जाना चाहिए। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्यों? तो उसका भी कारण बता देता हूँ। पहले के जमाने में जो अनादिकाल से युग चले आ रहे हैं, उनमें भी दो हाथ पैर वाले राक्षस घूमते थे और आज भी घूमते हैं। तो कुलीन को अगर सफ़ेद कपड़े को बचाना है तो कपड़ा नहीं, खुद को बचाना पड़ेगा, तब कपड़ा सुरक्षित रहेगा। तो अपने आप की इज्जत रखना है तो अपने आप को बचाना पड़ेगा, इस संसार का नियम है। इसलिए उद्याने मध्यपाने चा परग्रहे गमनं तथा, और यहाँ तक कहा कि दूसरे के घर जाना हो और दूसरे के घर के अलावा अपने घर भी जाना हो तो बिना अनुमति के नहीं। ये पहला है, पूछो स्वीकार है? ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ हुआ झगड़ा हम लोग लिए सूट के साथ घर पहुंच गए, भले मीरा रोड में रहो या भाईंदर या कहीं भी रहो। क्यों? उसका भी कारण है भाई, अपने पिता के घर जाने में क्यों आज्ञा लेना? कोई भी कह सकता है मुझे अपने पिता के घर जाना, उसमें क्या आगे लेने की जरूरत है? उसके लिए भी जरूरत है, और उसके लिए साक्षी स्वयं शिव और पार्वती हैं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और दक्ष ने कहा मेरी पुत्री बिना बुलाए मेरे घर आ सकती है, और अगर बिना बुलाए गई तो क्या हुआ वो आप सबको पता है। इसलिए जब तक पति की आज्ञा ना हो तब तक अपने घर भी पत्नी को नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसलिए मैंने कहा परगेहे परग्रहे, और अपने घर भी जाना हो तो भी अपनी आज्ञा लेना, ये पहला वचन, ठीक है। दूसरे में चलते हैं, अंतर्ग्रहे स्थित अनित्यम सुख दुखा अनुभोगनी यदा तिष्ठति भद्रे सीत्वं पालनी आसदा मम। हमारे घर में आप आज से प्रवेश करोगे तो घर में जाने के बाद में सुख भी होगा, जीवन में दुख भी होगा, हमारे घर के परिवार के लोगों को समझने में समय लगेगा, इसलिए उन समय में अपने धैर्य को रखना और धैर्य रख करके काम को अच्छे से संभालना, हमारी मति को समझना और दोनों की व्यवस्था को पालते हुए रखना, तो ये दूसरा वचन पालोगे तो आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं। पूछो। यस यस।
है। तीसरे